गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर उनके साथ एजीएम रितु सुहास, एसडीएम हिमांशु वर्मा, नायब तहसीलदार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद विधायक नंद किशोर गुज्जर ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही अंत्योदय भाव का अनुसरण करते हुए हर वर्ष जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा भाव ही बीजेपी की पहचान रही है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अब जैसे कि शीत ऋतु का आगमन हुआ है, इसमें हमने जो भी शासन से हमें कंबल प्राप्त हुए उसका हमने माननीय विधायक जी हमारे जो क्षेत्र के हैं उनके द्वारा शुभारंभ कराया है, और आगे भी इस तरह जो भी यहाँ के नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको इस तरह के कार्यक्रमों में बुला के हम वितरण करते रहेंगे, जिससे इस ऋतु का जो भारी ठंड हो उससे किसी का नुकसान ना हो। आज लोनी तहसील में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि शीत ऋतु में लोगों को समस्या ना हो तो कंबल वितरण और अलाव आदि व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसी क्रम में आज यहाँ अलाव को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने लोनी में कई पॉइंट्स बनाए हैं, बस स्टॉप, आश्रय स्थल, ऐसे कई जगह पे 18 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने अलाव जला रहे हैं। हम लोग का आश्रय स्थल भी रनिंग है जिसमें हमारे पास बेड्स और ब्लैंकेट्स हैं, और किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, लोनी में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, और केवल आज ही नहीं जो भी और भी लोग आएंगे उनके लिए भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिस तरह से राशन के मामले में लगातार जिलाधिकारी गाजियाबाद खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसडीएम लोनी और अब तो ईडीएम यहाँ एज ईओ और प्रशासक के रूप में भी देख रही हैं, तो लोनी के लिए सौभाग्य की बात है। वो कम्युनिस्ट स्टेट बनने के बाद लोनी के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था शानदार हुई है और हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, तो बहुत शानदार एक टाइम है। और आज जिस तरह कंबल वितरण का कार्य और बहुत शानदार क्वालिटी के कंबल है, आपने देखा होगा, तो मैं सबको जितने भी लाभार्थी हैं जिनको कंबल वितरित हुआ उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमने सबको कहा भी है और दोबारा से सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं पहले की तरह लग करके लोनी में ना पहले कोरोना आया था, दूसरी बार भी नहीं आया था, और हम सब लोनीवासी मिलकर के भगवान की कृपा से लोनी में फिर कोरोना को हराएंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि भारत इससे अछूता रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, लोग जिस तरह अवेयर हैं, तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा। यूपी के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि डीएलएफ के पास पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान रोका, तभी बदमाश ने मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के पैर पर गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश घायल हो गया। बता दें अभियुक्त के ऊपर करीब एक दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। आज संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान की जा रही थी अपराध के रोकथाम हेतु, इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे एक संदिग्ध सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने मोटरसाइकिल रोक करके काफ़ी तेजी से मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे ललकार करके घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल। पूछताछ में उसने अपना नाम कुलदीप बताया, थाना लोनी बॉर्डर का निवासी है। उसके प्रारंभिक आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई, लगभग एक दर्जन उसके आपराधिक मामले दर्ज हैं।